अजय जी आप आज तक पे बैठे, मैं याद दिला दूं, शाउटिंग मैच करने के लिए आपको दूसरे चैनल पर जाना होगा। जब आपका नाम लिया जाए आप अपनी बारी में बोले, शाउटिंग मैच आज तक पर ना करें। आपके बीच में मैंने ये सुनिश्चित किया कोई हस्तक्षेप ना करे, तो अब आप भी चुपचाप सुने, आपकी बारी आएगी, पूरी करें दो लाइन में अपनी बात। अजय आलोक जी, मैं बस ये कह रहा हूं अंजना जी कि विश्व मंच से प्रविधिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी ने कहा क्या कि भारत के वैज्ञानिकों ने आज भारत के लिए का नाम ऊंचा किया पूरे विश्व में और पूरे मानवता के लिए काम किया है। आज ये सोचिए कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पे कोई उतर नहीं पा रहा था, वहां से पहला सिग्नल जो आया है वहां बर्फ मिला है, बर्फ मतलब H2O, दैट मींस की और क्या क्या पॉसिबिलिटीज निकल सकती है। बीइंग अ डॉक्टर आप सोचिए कि H2O को ब्रेकअप करके क्या क्या मिल सकता है, हीलियम का इतना बड़ा भंडार मिला है, एक एक चीज विश्व के लिए कितना काम हो सकता है, मानवता का भला हो सकता है, उसमें क्या राजनीति की प्रधानमंत्री जी ने। भाई आपको तो प्रधानमंत्री का हर चीज राजनीति लगता है, देश के साइंटिस्ट में सवाल आप उठाते हैं, कोरोना के समय जब हमने वैक्सीन बनाई तो उसको मोदी वैक्सीन बना दिया, कोरोना को कोविड को मोविड बना दिया आप लोगों ने, नकारात्मकता तो ऐसी घुसी हुई है कि देश देख रहे हैं आपके नकारात्मकता। आज इस विषय पर बहस कर रहे हैं, ये बहस का विषय ही नहीं है, ये देश के लिए गर्वान्वित होने का विषय है कि चंद्रयान 3 निकला और हम सूर्य पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज ये देश के लिए गर्व का विषय है कि इसरो आज प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च करने का सबसे बड़ा सेंटर पूरे वर्ल्ड में बन गया है, 3300 करोड़ कमा रहा है, तो इसरो अपने पैर पे खड़ा हो रहा है, हमारे नए नए वैज्ञानिक निकल रहे हैं। इस उपलब्धि के बदले में आप सोच रहे हैं नई जनरेशन के कितने लोग अब विज्ञान और वैज्ञानिक की तरफ बढ़ेंगे, जिसको एक डल करियर मान के लोग छोड़ देते थे, आज कितने हमारे युवा साइंटिस्ट तैयार हो जाएंगे अगले 5 साल में, देश कहां से कहां बढ़ेगा। अरे आगे की सोचिए, विकसित भारत कैसे बनेगा ठीक है इस नकारात्मकता के साथ। प्रणव जी और अजय वर्मा दिया तो ये कर दिया तो वो कर दिया, प्रणव शर्मा और अजय वर्मा ठीक है मिस्टर आलोक ठीक है, प्रणव शर्मा और अजय वर्मा जी को एक साथ दिखा दीजिए। अजय जी, प्रणव जी का ये कहना है कि वो पूरा श्रेय दे रहे हैं नेहरू को इसरो की स्थापना के लिए। उन्होंने कहा कि नेतृत्व की बहुत जरूरत होती है विज्ञान को भी, क्योंकि पैसा चाहिए, देश का पैसा लगता है, टैक्स पेयर का पैसा लगता है, लेकिन मौजूदा जो सरकार है उस पर भी उनका कहना है कि वहां पर जो विजन है और जो पुश मिल रहा है उसकी वजह से ये कामयाबियां हासिल हो रही हैं, यहां पर भी आपको श्रेय देना होगा। अजय जी, अंजना जी, बिल्डिंग जब बनती है तो उसकी जो नींव होती है उसके ऊपर ही तो सारी फ्लोर खड़े होते हैं, आज हम एक पहली तल, दूसरा तल, दसवां तल, आज गगनचुंबी इमारत बनती है, अगर आप नींव ही तैयार नहीं करेंगे तो फिर अंतरिक्ष में बिल्डिंग कैसे बन जाएगी। हमने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में या इंदिरा जी के टाइम में या राजीव गांधी जी के टाइम में या कांग्रेस के टाइम में मनमोहन सिंह जी के टाइम में या पीवी नरसिम्हा राव जी के टाइम में जब जब वो प्रधानमंत्री रहे ये चीजें उपलब्धियां रही और वो आधार बना के 2014 में ये कहना कहां तक न्याय संघ। हमने वैज्ञानिकों को बधाई दी, हमने देश की सरकार के उसको कभी भी नहीं नकार रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि 2014 के बाद ही भारत का जन्म हुआ है, या आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि सारी आधुनिकताएं, सारे लॉन्च, सारे पैड, सारी सुविधाएं, सारे फंड 2014 के बाद यहाँ, इससे पहले देश ही नहीं था और ऐसा इनके समर्थक अच्छा भी कहते हैं। आपने नरसिम्हा राव का नाम लिया क्योंकि मणिशंकर अय्यर जी ने अपने बुक लॉन्च में सोनिया जी के सामने ही कह दिया कि वो पहले बीजेपी के प्रधानमंत्री थे देश में, लेकिन वो कह रहे हैं कि श्रेय देना चाहिए, लेकिन इसी के साथ सारे प्रयास हमारे ही है, मतलब राजनीतिक श्रेय ना ले ले मौजूदा सरकार, ये उनकी चिंता है। नहीं देखिए, वैज्ञानिकों को तो शेयर देना पड़ेगा क्योंकि काम तो उन्हीं का ही है, पर ये बात बिल्कुल सच है कि एक बहुत फिगरेटिव चेंज आया है। क्या बदला है? उस जो फिगरेटिव चेंज आया है वो ये है कि हमारा जो मुद्दा है वो थियोरेटिकल साइंस से ट्रांसलेटेबल साइंस हो गया, कि आप वो विज्ञान करें जो मैं देख पाऊं, जो जो आम आदमी के काम आए इवेंचुअली, जो दुनिया के काम आए, वो बस थ्योरेटिकल मॉडलिंग बन के ना रह जाए। तो एक ये बहुत बड़ी चीज हुई है। दूसरी चीज ये हुई है कि आपने मेगा मिशंस बनाए, आपने कैपेसिटी बिल्डिंग करी है, और मैं सिर्फ ये हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों के हिसाब से नहीं कह रहा हूं, मैं ये बात बहुत दावे के संग कह सकता हूं कि वैज्ञानिक, हिंदुस्तानी वैज्ञानिक पूरी दुनिया में आज जो है उसकी वो जो एबिलिटी है कि टू थिंक बियॉन्ड, वो पिछले 8-10 साल में बहुत चेंज हो गई है, क्योंकि हमारा इंटरनेशनल स्टेचर भी चेंज हुआ। आप जब अब टेबल पे नेगोशिएट करने जाते हैं किसी प्रोजेक्ट को तो आप एक अलग गर्व के संग जाते हैं, आप गर्दन झुका के नहीं जाते हैं, क्योंकि आप उस देश से आ रहे हैं जहां पे कैपेसिटी बिल्डिंग है, जहां बजटरी एलोकेशंस हैं और जहां पब्लिकेशंस भी हैं, जहां आपके पास इंस्टीट्यूशनल बैकिंग भी है, और आपको पता है कि अगर आप टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर्स एक बड़े स्केल पे लेके जाएंगे तो बैक होम ये बात एक्सेप्ट की जाएगी।
अजय वर्मा जी ने आपकी बात पे हाथ उठा दिया है। हाँ वर्मा साहब बोलिए। प्रणब जी आप जो बात कह रहे हैं मैं सहमत हूँ आपकी बातों से। आप मुझे मेरी बात जरा जवाब दे दीजिए। आप तो वैज्ञानिक आदमी है और अच्छे आदमी है, बढ़िया आदमी है। भारत में आज तक, जब से भारत आजाद हुआ आज तक की केवल 14 के बाद आर्थिक असमानता की दर 1% लोगों पर 40% पैसा और 99% लोगों पर 60% पैसा। ये कौन सी आर्थिक असमानता की रीत? क्या ऐसा देश चाहिए था क्या कि 45 करोड़ लोग आज नौकरी की तलाश में भटके पड़े, छोड़ चुके हैं, अमीर और अमीर होता जा रहा है, लोग देश छोड़ के जा रहे हैं। आप करिए, आप अंतरिक्ष में करिए, आप विकास करिए, आप संसार में बनाइए, लेकिन आपकी जो मूलभूत चीजें हैं, जो देश की चीजें, जो 140 करोड़ लोगों का लोड है और 140 करोड़ लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, दूध आज आपने 70 रुपए किलो कर दिया, 100 रुपए हो जाएगा, पेट्रोल 100 रुपए से कम आता नहीं। आप कहेंगे आपके पास और कोई डटे रखा है? इसका जवाब आप प्रणव शर्मा से पूछ रहे हैं। ये एस्ट्रोनॉमर है तो ये बता तो देंगे कि क्या भारत को ये दूध की कीमत बता देंगे क्यों बढ़ रही है? नहीं, ये तो बता देंगे कि हमें दूध पीते हैं हम, आटा हम खाना खाते हैं, हम महंगाई झेलते हैं, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, ये बेसिक चीजें हैं। ये मैं कहूंगा, फिर आप कहेंगे कि इंग्लिश और हिंदी का, ये बेसिक अप्रोच की जो चीजें हैं, इट शुड बी मस्ट इन द लाइफ। ये बहुत जरूरी है अंजना जी। चर्चा चांद पे जाए, हम सूरज पर जाए, हमारे आदमी जाए, नहीं, भारत सूरज पर नहीं जा पाएंगे। सूरज को दूर से स्टडी करना पड़ता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है वहाँ पे। हो सकता है साहब के टाइम में मोदी है तो मुमकिन है, ये तो यही कहते हैं साहब। अब घोषणा कर दी आदित्य एलवंती की जाएंगे तो कुछ भी संभव हो सकता है। यहाँ ऐसी कोई चीज, लैग्रेंजियन पॉइंट वन पर जाएंगे, वो वहां से दूर से मेजर करेंगे, ये पहला प्रूफ नहीं है। बहुत दूर से पढ़ा जाता है, जो बाहर का उसका कोरोना होता है, वहां से इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि वहां कोई नहीं जा सकता। लेकिन आप अजय आलोक का नारा आप बोल रहे हैं उनकी जगह में, अजय वर्मा जी। नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि बादल के पीछे की चीजें, सोने से आलू से सोना बनना और ड्रोन से आलू के ट्रक उठा के लाना, तो सब चीजें संभव है। इसलिए कह रहा हूँ कि मोदी साहब है तो मुमकिन है, हम सूरज नहीं कहीं भी जा सकते हैं। ये लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, संसार के 140 करोड़ लोगों में इनके आईटी सेल, भाजपा के नेता प्रवक्ता, इनको तो छोड़ दीजिए क्योंकि इनकी तो मजबूरी है, तो सरकार है, लेकिन हम तो कहते हैं भारत में अच्छी सरकार चलाई है और भारत में नेगेटिविटी हटाकर पॉजिटिविटी, यानी नकारात्मक चीजों को ना स्थान मिले, सकारात्मक चीजें, सकारात्मक ऊर्जा है चंद्रयान 3 की तरफ। जवाब दीजिए अजय आलोक जी, क्योंकि प्रणव जी आपकी बातें तो उनको बुरी लग गई, आपको फिर वो प्राइस राइज पर सवाल पूछ रहे थे। जवाब दीजिए अजय आलोक जी, चंद्रयान 3 मिशन फेल सक्सेसफुल हो गया, इसकी वजह से आप महंगाई के सवालों से नहीं भाग सकते। चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हो गया, इसकी वजह से आप बेरोजगारी से लेकर जो देश के अन्य प्रशासनिक सवाल है उनसे नहीं भाग सकते, यही कह रहे थे अजय वर्मा जी। अजय जी को बहुत अच्छी तरह से पता है कि जब हम यहाँ पे आज चंद्रयान 3 की डिबेट कर रहे हैं तो ये जानबूझ के उस सब मुद्दों पे भाग रहे हैं, क्योंकि इनको इस चंद्रयान 3 की तारीफ करते हुए इनको दिक्कत होती है, कर नहीं सकते हैं, कांग्रेस पार्टी से फोन आ जाएगा। महंगाई की जहां तक बात है तो 10 साल का यूपीए का आंकड़ा निकाल के देख लीजिए, इनके टाइम में कभी भी इन्फ्लेशन डबल डिजिट से सिंगल डिजिट में नहीं आया, हमारे काल में कभी भी डबल डिजिट में जाने की तो दूर, 6.5 को क्रॉस नहीं किया, तो किस बात की ये बात करते हैं। आज टमाटर अगर बरसात के कारण 200 रुपए किलो हो गया, जो कुछ दिन के लिए है, तो उस पर इनको लगता है कि इन्होंने किला फतह कर लिया। रहिए खुशफहमी में भैया, मुझे बस एक बात बता दीजिए अच्छी तरह से, इनके यहां तो ऐसे ऐसे महान नेता हैं जिनको लॉन्चिंग और लैंडिंग में फर्क नहीं पता है। मैं राजीव शुक्ला जी की बात कर रहा हूं, जरा आप ही बता दीजिए मुझे, यहां पे जितने विपक्ष के लोग बैठे हुए हैं, लैंडर का नाम हमने विक्रम क्यों रखा था? जवाब दीजिए, लैंडर का नाम विक्रम क्यों रखा था हमने? बहुत नेहरू की बातें हो रही है, इंदिरा नेहरू, लैंडर का नाम विक्रम क्यों रखा गया था? अब आप प्रधानाचार्य बन गए हैं, यहाँ क्लास में क्लास का स्रोत कोई है भाई?